दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने एटीएम के कार्ड से किसी भी एटीएम कार्ड के मशीन पर अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हो, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। दोस्तों यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में आप चुनकर कैसे आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही लेटेस्ट तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एटीएम पर जाना है और एटीएम के कार्ड को अपने कुछ इस तरीके से मशीन में डाल देना है। मशीन में डालने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहां से आप अपनी मनपसंद का भाषा पहले चुन लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदी में लैंग्वेज को चुन के आप कैसे पैसे विड्रॉल कर सकते हो एटीएम के मशीन से। तो दोस्तों मैं यहां पर हिंदी चूज कर लेता हूं। हिंदी चुनने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपना 4 अंक का पिन कोड डाल देना रहता है। जैसा दोस्तों आप अपने एटीएम कार्ड का पिन बनाए होंगे उसी पिन को यहां पर आपको डाल देना है। और डालने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल जा रहा है, जारी रखे उसके बटन दिया है। तो दोस्तों आपको बटन प्रेस कर देना है, नहीं तो दोस्तों अगर स्क्रीन होगा तो दोस्तों आपको स्क्रीन टच कर देना है उसके सामने। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों यहां पर अगर आप अपने बैलेंस की पूछताछ करना चाहते हैं या नगद निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर राइट साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाता है नगदी निकालना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपका अकाउंट किस प्रकार का है, मतलब टाइप आपका कौन सा है बैंक का। तो दोस्तों आपको अपने पासबुक में पता ही होगा कि बचत खाता है या चालू खाता है या क्रेडिट खाता है, सेविंग खाता है या करेंट खाता है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से यहां आपको अपने अकाउंट का प्रकार चुन लेना है, टाइप चुन लेना है। दोस्तों मैं अपने बचत खाता मेरा है तो दोस्तों मैं बचत वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगा। जैसा कि दोस्तों यहां पर बटन दिया तो बटन वाले ऑप्शन पर मैं एक बार प्रेस कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको कितना एटीएम से पैसे निकालने हैं आपको यहां पर उसे डाल देना है। तो 500 रुपया टाइप करके उसके बाद दोस्तों यहां पर हां का एक बटन देखने को मिल रहा है, इस पर मैं प्रेस कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, कृपया प्रतीक्षा करें, आपका जमा निकासी प्रोसेस किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको थोड़ी देर यहां पर वेट कर लेना है और वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अभी पैसा देखने को मिल जाएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पैसा निकल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, किसी भी एटीएम के मशीन से पैसे निकाल सकते हो। दोस्तों ये रही जानकारी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा भाई इसी तरीके के ट्रिक एंड टिप्स की वीडियो लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।